बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टेस्टी कुकिंग विद ताबा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी, मटन स्टू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए इन्हें नोट कर लीजिए। मटन लिया है हमने 1 किलो, इसके अलावा प्याज लिए हैं हमने 1 पाव, टमाटर लिए हैं हमने 1.5 पाव, घी लिया है हमने 1 कप, लहसुन चॉप्ड हमने लिया है 3 टेबल स्पून, ये देखिए हमने चॉप्ड कर लिया है, अदरक लिए है हमने 1.5 इंच का टुकड़ा और 1 इंच मोटा था, इसके अलावा हरी मिर्चें हमने 2 अदद ली हैं, इसे काट लिया है, कुटा हुआ धनिया हमने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी हमने ली है 1/2 टीस्पून, इसके अलावा नमक लिया है हमने 2.5 टीस्पून, साबित लाल मिर्च हमने ली है 7 से 8 अदद, इसके अलावा साबुत गर्म मसाले में हमने लिया है ज़ीरा सफ़ेद 1 टीस्पून, बड़ी इलायची हमने 2 अदद ली है, दालचीनी जो है हमने 1 स्टिक ली है, उसे छोटा छोटा तोड़ लिया है, काली मिर्च हमने 12 अदद ली हैं और लौंगे हमने 5 अदद लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम एक भगोना लेंगे, इसमें हम घी डालेंगे सबसे पहले और इसे मेल्ट करेंगे। ये मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, और इसको कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, गोश्त का कलर चेंज हो जाए जब तक। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी हमने लिया है 2 कप। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, फिर इसमें हम डालेंगे चॉप्ड किया हुआ लहसुन, फिर हम इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे, ये हमने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, फिर उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, इसके बाद हमने इसमें ये अदरक डाल दी है जो कि काटी हुई थी, फिर इसके बाद हमने ये साबुत मिर्चों को एक एक को दो दो कर लिया था, ये डाल दिया, फिर हमने हल्दी डाल दी है, फिर इसे अच्छी तरह मिलाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम इसे ये मिला के हमने रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटरों को थोड़ा सा नरम होने तक पकाएंगे। ये तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया है, ये 5 मिनट हो गए, ये देखें टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो गए। अब हम इसमें साबुत गर्म मसाला डालेंगे, अब हम इसे तकरीबन ढककर 20 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें 20 मिनट हो गए और ये देखें हमारा ये थोड़ा थोड़ा सा पानी बस बाकी बचा है, बाकी ये खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा गल गया है, ये देखें। ये गोश्त हमारा गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और ये जो थोड़ा सा पानी था ये खुश्क होने तक इसको तकरीबन 5 मिनट में ये हो जाएगा, 5 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए, हमारा ये स्टू रेडी है, मटन स्टू रेडी है और हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इसे खा के देखिएगा, ये बहुत मज़ेदार होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।